तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, ऑनगोइंग नेशनल प्रोग्राम्स इन इंडिया, जो भी नेशनल प्रोग्राम्स जा रहे हैं उनका थोड़ा ब्रीफिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है अमृत, जिसका फुल फॉर्म है अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। तो ये एक प्रोग्राम के अंतर्गत, तो जो भी, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ये नेशनल प्रोग्राम का एम क्या होता है, कि कोई भी, जैसे हमने हेल्थ केयर पढ़ा तो हमने क्या देखा कि पहले पहले उसका कंपोनेंट क्या है, गवर्नेंस है, दूसरा फाइनेंसिंग है, फिर वर्क फोर्स आया, ऐसे इस टाइप से आते हैं। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि कैंसर है, तो काफी, या हार्ट वाले कोई है, हार्ट सर्जरी किन्हीं को करवाना है, तो ये काफी पैसे वाले हैं, मतलब बहुत ज्यादा खर्चीला बीमारी है। कैंसर के थेरेपी में बहुत करोड़ों रुपया लग जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो गरीब लोग हैं उनका क्या होगा, तो वो तो वैसे ही मर जाएंगे। तो सरकार हमेशा सभी को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रोग्राम्स लाती है जो मेनली पॉपुलेशन के बेनिफिट्स में होता है। तो वैसे कुछ प्रोग्राम्स पढ़ेंगे नेशनल प्रोग्राम ऑफ इंडिया में, ठीक है, जो भी चल रहे हैं, और ये कोई ना कोई बीमारी को उन्मूलन करने के लिए ही होते हैं मेनली। तो पहला है अमृत प्रोग्राम, जिसका मेन है अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट फॉर ट्रीटमेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो रिटेल है, जो दवाइयाँ बेचती हैं, वो मेनली क्या है, दवाइयाँ बहुत कम प्राइस में देती हैं। जैसे मान लीजिए दवाइयाँ 100 का है, तो वो 40 रुपया में देंगी या 50 रुपया में देंगी, तो ये तो बहुत लोअर कॉस्ट मैंने बताया। अगर वो दवाइयाँ कैंसर का है या कैंसर का कुछ इस टाइप का है, तो हाईली डिस्काउंट रेट्स में देती है, ताकि काफी एफोर्डेबल प्राइस पे आदमी को मिल सके, वो उसका ट्रीटमेंट करा सके, आदमी पे बहुत ज्यादा वजन ना पड़े दवाइयों का, इसलिए। तो ये अमृत प्रोग्राम है, तो इसके तहत जनरली अमृत फार्मेसी बनाया जाता है, लोग उसको लेते भी हैं। इसमें 202 कैंसर है और बाकी 186 कार्डियोवास्कुलर दवाई है, कुछ कार्डिक इम्प्लांट्स हैं, 148 टाइप ऑफ कार्डिक इम्प्लांट्स बेचे जाते हैं काफी लोअर प्राइस में। अगर 200 का दवाई है तो वो 60% लेस या 150% लेस में मिलेगा, ओके। तो मतलब काफी कम चीपर प्राइस पे आपको मिल जाते हैं, काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे वो आपको मिल जाते हैं। दूसरा है आयुष्मान भारत, सभी लोग इसका नाम सुने होंगे। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। ये मेनली क्या है कि जितने भी तरह के माता से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, या कोई भी तरह के कम्युनिकेबल डिजीज हो, या कोई भी तरह के पैलेटिव केयर करना हो, किसी भी जिनका पहले से बचाव टाइप का केयर करना हो, तो इस टाइप के जितने भी बीमारियां हैं उनसे लड़ती हैं। आपने बहुत ज्यादा आयुष्मान भारत का नाम सुना होगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आप आते हैं, मान लीजिए कि सभी तरह के मैनेजमेंट करती है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, बच्चों का, बड़ों का, माँ का, सभी का। तो अब जैसे क्या है, प्रेगनेंसी में केयर करना, चाइल्ड बर्थ को प्रमोट करना, उसका केयर करना, जो बहुत नवजात शिशु हैं या थोड़ा 0 to 6 month के बच्चे हैं, उनका हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, बच्चों का या एडोलेसेंस जो युवावस्था में बच्चे जाते हैं, जिनका, सॉरी, युवावस्था नहीं कह सकते उसको, जनरली जो बच्चे 12 से 14 साल के रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंस, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फैमिली प्लानिंग या जितने टाइप के फैमिली प्लानिंग डिवाइसेज हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज हैं, उस टाइप के मैनेजमेंट करते हैं, जितने टाइप के कम्युनिकेबल डिजीज हैं, मतलब आयुष्मान भारत के अंतर्गत जनरली सभी चीजों को इंक्लूड किया गया है, कम्युनिकेबल से नॉन कम्युनिकेबल से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लेके, बच्चों से लेके, एडल्टी, मदर, एल्डोसेंस, सभी को, ओरल हेल्थ केयर, ऑप्थेल्मिक हो गया, आंख से रिलेटेड, नाक, गला, थ्रॉट, ये ENT रिलेटेड टोटल चीज को जनरली आयुष्मान भारत के अंतर्गत शामिल किया गया है। तभी तो नाम रखा गया आयुष्मान भारत। आयुष्मान मतलब लॉन्ग लाइफ, आयुष्मान मतलब ये होता है ना, जनरली जिसको कभी जनरली क्या बोलते हैं, आयुष्मान भव, इस टाइप का आशीर्वाद दिया जाता है, मतलब ज्यादा जिंदा रहो। तो जिंदा रहने के लिए आदमी को ये बेसिक चीज प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो दैट वन इज कॉल्ड आयुष्मान भारत, इसलिए इसका नाम आयुष्मान भारत पड़ा। उसके बाद एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो फर्स्टली NACP, स्मॉल फॉर्म में जब हम देखेंगे तो ये इसको बोलते हैं NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ये लॉन्च हुआ 1992 में और हमेशा कुछ ना कुछ न्यू सिद्धांत से आगे बढ़ा। तो फर्स्टली जब ये ऑब्जेक्टिव्स था, तो इसका मेनली प्रोवाइड क्या होगा कि एड्स को कंट्रोल करना पूरे देश से, पूरे इंडिया से। तो इसके लिए बहुत सारे NGOs काम किए, बहुत सारे लोगों ने काम किया एक साथ।
तो इसका मेन काम क्या था कि जो इम्पैक्ट है हमारे देश में एड्स का, मॉर्टेलिटी जो बढ़ रहा है, बहुत डिजेबिलिटीज बढ़ रहे हैं, उसको रोकना है। उसके बाद फिर सेकेंड फेज चला, इसी का सेकेंड प्रोग्राम चला 1999 में। तो इसका मेन क्या था कि जो पहला तो यही था कि एचआईवी इंफेक्शन को रोकना, दूसरा इंडिया का कैपेसिटी बढ़ाना इस रोग से लड़ने के लिए, तीसरा फिर से थर्ड लॉन्च हुआ 2007 में। इसमें क्या था कि जो भी हुआ है, ये जो एपिडेमिक था, एड्स को एपिडेमिक माना गया था, तो अब इसको होल्ड करना, जहां पे है वहीं पे रोकना, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ चुका है कम्युनिकेबल डिजीज में, एड्स एसटीडी में, कि जो हमारा एड्स है वो क्या हो रहा था कि अगर एचआईवी में हम उसको कंट्रोल नहीं करते थे तो वो एड्स बन रहा था, तो हम उसको होल्ड कर दे, वही एचआईवी में हम उसको होल्ड कर दे तो ज्यादा डिसेबिलिटीज नहीं बढ़ेगा। उसके बाद फिर ये फोर्थ प्रोग्राम लॉन्च हुआ 2012 में, तो सेम मोटो के साथ, थोड़ा और ज्यादा ऑप्शंस के साथ और ज्यादा इंटीग्रेशंस के साथ ये बढ़ा था। ओके, इसका मेन वही काम है कि जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे कि रेड लाइट एरियाज, वहां पे बहुत ज्यादा रिप्रोडक्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करना, या वहां पे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, सोशल नॉलेज देना, बहुत ज्यादा और फैसिलिटीज अवेलेबल कराना, तो ये सब एड्स, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत था। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे में हम लोग और कुछ पढ़ेंगे।